Every child's success story starts here. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. Assalamu alaikum, nazireen, chalte hain desh aur duniya ke khabarname par. सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस समेत 12 अपोजिशन दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर वो विपक्ष का सुझाव मान लेते तो हालात इतने खराब ना होते। कोविड 19 की दूसरी लहर में देश के बदलाही हालात देखकर तमाम अपोजिशन लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ है। ऐसे में कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों ने नेताओं के प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा। लेटर पर सरकार पे विपक्ष के सुझावों पर ध्यान ना देने और सरकार की लापरवाही के चलते हालात खराब होने का इल्जाम लगाया है। साथ ही मांग भी की है कि वैक्सीन का जो उत्पादन है वो बढ़ा दिया जाए, इसके लिए बजट में 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। ऐसे में कांग्रेस समेत 12 राजनीतिक दलों ने केंद्र से मांग की है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फौरन रोक दिया जाए और इस प्रोजेक्ट के बदले जो पैसा है उसको ऑक्सीजन और वैक्सीन पर लगाया जाए। रहा सवाल पीएम केयर फंड का, तो उसके पैसे को भी ऑक्सीजन, दवा और मेडिकल के लिए खरीदने की मांग की गई है। अपोजिशन ने ये भी कहा कि महामारी की मार झेल रहे बेरोजगारों को 6000 रुपए महीना भी देना चाहिए और अनाज, दाल जैसी जरूरतमंदों की चीजें मुफ्त में बांटनी चाहिए। साथ ही कृषि कानून को भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि किसानों को महामारी से बचाने की अपील देश को बचा सकती है। अगली ही बड़ी और दर्दनाक खबर यूपी से आ रही है। पैसे ना होने की वजह से गंगा किनारे जो डेड बॉडीज जलाने के लिए लेके गए थे उनको जलाने की बजाय दफनाया जा रहा है। यूपी के उन्नाव जिले के इलाकों में कोविड 19 की महामारी तेजी से फैल रही, जिसका असर अब गंगा किनारे के घाटों पर भी देखने को मिलने लगा है। गंगा के किनारे बड़ी तादाद में डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पैसे न होने की वजह से लोग शवों को, यानी कि डेड बॉडीज को जलाने के बजाय दफनाना सही समझ रहे हैं। आलम तो वहाँ का यह है कि अब डेड बॉडीज को दफन करने की जगह घाटों पर भी नहीं बची है। हुई डेड बॉडीज को गड्ढा खोद कर दफन किया जा रहा है, इस वजह से घाट के किनारे अब दफनाने की भी जगह नहीं बची है। मामला ना ही सिर्फ यूपी के उन्नाव बल्कि बक्सर और रोहतापुर में भी देखने को मिल रहा है। उन्नाव के रोहतापुर घाट पर एक ही महीने में करीब 300 डेड बॉडीज का दफनाना अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसे में डेड बॉडीज की जगह गंगा की रेती में भी नहीं बची है। बता दें कि इस घाट पर रोहतापुर, मिर्जापुर, लंगड़ापुर, भटपुर व राजेपुर, कनी कमाऊ, फतेहपुर समेत 2 दर्जन से ज्यादा गाँव के लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 2 दिन में महाराष्ट्र के केसेस काफी कम आए, लेकिन सख्ती देखते हुए सरकार ने फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में आजकल राहत की खबरें भी काफी आ रही हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 60,805 लोग सही भी हो गए हैं, के साथ ही रिकवरी रेट 88.1% पहुँच गया है। दूसरा बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने ये किया है कि 18 साल से 44 साल तक के एज वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का थर्ड राउंड फिलहाल रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने इसी के साथ तय किया है कि पहले वैक्सीन उनको दी जाएगी जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं ली है। उनके हिसाब से 16 लाख कोविशील्ड और 4 लाख को वैक्सीन की डोज अभी भी देना बाकी, जबकि सरकार के पास 7 लाख कोविशील्ड और 3 लाख 2 वैक्सीन की डोज हैं। वहीं अगली बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर आ रही है गाजियाबाद से। यहाँ पर कोरोना का कहर इस कदर टूटा है कि उनके पूरे परिवार में लोगों का सैलाब आ गया। दरअसल गाजियाबाद में 12 दिनों के अंदर ही अंदर बीवी, शौहर, बहू और बेटे सबकी मौत हो गई। ऐसे में एक के बाद एक मौतें होना बाकी परिवार वालों के लिए काफी गहरा सदमा दे गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पे कोविड 19 की तरफ से एक तरफ पूरे अस्पताल लोगों की सेवा में जुटे हुए, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी भी जोरों शोरों पे चल रही है। लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मरीजों ने इल्जाम लगाया कि इनसे बिल बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। कोविड 19 के रहते इंजेक्शन को लेकर, बिल को लेकर कालाबाजारी के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ताजा मामला लखनऊ से आया है, जहाँ पर FIR दर्ज हो गई है। फिलहाल किन अस्पतालों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, वीरपुर जेल में भूख हड़ताल पर पहुंच चुके हैं पप्पू यादव। सर, पानी और बाथरूम ना मिलने पर उन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया। उसके बाद SDM और ASAP उनको मनाने पहुंचे, तब जाके उन्होंने फ्रूट्स खाना शुरू किए। इसी दौरान 3 डॉक्टरों ने उनका हेल्थ चेक भी किया, रिपोर्ट तय करेगी कि अब वो कहाँ रहेंगे।
32 साल पुराने किडनैपिंग केस में ट्यूजडे को शाम को पटना से गिरफ्तार जन अधिकार पार्टी के सुप्रीम और पूर्व सांसद पप्पू यादव अभी भी वीरपुर जेल की बद इंतजामी के खिलाफ मोर्चे के लिए निकले हैं। बताया जा रहा है कि देर रात से बंद पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वेडनेसडे को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा गया कि मैं वीरपुर जेल में भूख हड़ताल पर हूं। यहां ना पानी है ना बाथरूम है, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था इसलिए नीचे बैठ नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहां कमोड भी नहीं है। कोविड-19 मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, अस्पताल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरे अपराध है। आखिर में उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अब भी जारी है। हालांकि ट्यूजडे की रात को ही उन्होंने वीरपुर जेल गेट पर एसडीएम और दूसरे अधिकारियों से बातचीत में कहा था कि अभी उनका इलाज चल रहा है और 24 घंटे उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रहने की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें जेल ना भेजकर अस्पताल की सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसे में एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव ने कहा था कि जो भी सुविधा होगी आपको जेल प्रशासन मुहैया कराएगा। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इसराइल और फिलिस्तीन को लेके। इसराइल का कहना है कि अब हमले तभी बंद होंगे जब दुश्मन को पूरी तरह से शांत कर देंगे, जिस पे फिलिस्तीनियों का कहना है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इसराइली हमलों के बाद सब कुछ तबाह बर्बाद होता नजर आ रहा है, यहाँ हर जगह मलबा नजर आने लगा है। इसराइल ने हाल ही में बेहद ताकतवर एयरफोर्स के जरिए फिलिस्तीन में काफी तबाही मचाई है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंटस ने बुधवार शाम को कहा है कि हमारे सेना का गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में हमले अब बंद नहीं होंगे, हम अब तब तक नहीं रुकने वाले जब तक दुश्मन को पूरी तरह से शांत नहीं कर देते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसके बाद ही अब अमन बहाली पर कोई बात होगी, इसराइल अब लंबे समय के लिए शांति चाहता है। ऐसे में इस पर फिलिस्तीनियों का जवाब बहुत साफ है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और झुकने को भी तैयार नहीं है। और फिलिस्तीनियों का ये भी कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। बाकी के तमाम इस्लामिक मुल्क भी फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं और सऊदी अरब इस पर काफी भड़का भी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर काबुल के नजदीक एक शहर पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। रमजान में वहां पर 295 नागरिकों को मार डाला। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करके कहा है कि नेरक जिले के पुलिस कार्यालय, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और बड़ी तादाद में आर्मी बेस पर कब्जा जमा लिया गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि हमने दुश्मनों के कई सैनिकों को मार दिया, इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए हैं, कई लोगों को हमने जिंदा जला दिया है। इसी के साथ आर्मी के तमाम हथियारों, गोले बारूदों और सैनी वाहनों को भी कब्जे में कर लिया है। अफगानिस्तान में रमजान महीने के दौरान ही तालिबान की ओर से हिंसा में तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इसके अलावा 500 लोग जख्मी भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान ने कह दिया कि वो भारत से इसी शर्त पे बात करेंगे जब कश्मीर का मुद्दा उठेगा। इमरान खान ने एक लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे, जहां पर इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ कोई ऐसी वार्ता यानी कि बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अगर नई दिल्ली कश्मीर पर अपनी नीतियां यानी कि सोच में बदलाव करती है और कश्मीर के लोगों को राहत देती है तो बात हो सकती है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मुद्दा नहीं हो सकता क्योंकि ये राष्ट्र के एजेंडा पर है और इस पर सुरक्षा के काफी ज्यादा सजेशंस हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। एवरी चाइल्ड सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स हियर लाइक अ मल्टी फेसेटेड डायमंड। एवरी स्टूडेंट हु स्टेप्स इनटू सक्सेस स्कूल शाइन्स विद ब्रिलियंस। Sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success. Finding oneself.